चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज दे मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून नूं अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज दे मुख्यमंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैं ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसके कि अजिहे मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लिए अजिहा करना लोड़ीदा हो मैं सीधे ज असिधे तौर पर ना दसागा ना प्रगट करा। इनकलाब जिंदाबाद। बोले सो निहाल। भारत माता की। आज इस पवित्र स्थान दे उत्ते पंजाब दे कोने कोने चो भगत सिंह होरां दे जद्दी पिंड उन्हां दे दर्शन करन आए हो और सहु चुक समागम दे विच तुसी शामिल होए हो। मैं तुहाडा बहुत बहुत तह दिल तो धन्नवाद करदा। मेरे खब्बे पासे दिल्ली दी कैबिनेट बैठी है, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी मुख्यमंत्री साहब, साढ़े सारे मंत्री साहबान, ते मेरे सज्जे पासे ओ कानवे बैठे ने जिन्हां ने बहुत वड्डियां जित्तां प्राप्त कीतियां। एक बार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए। वीरो इत्थे आउण दी एक खास वजह है। पहला सहु चुक समागम महलां च, क्रिकेट स्टेडियम च जां राजभवनां च हुंदे सी। हुण इह सहु चुक समागम शहीदां दे पिंडां च आए ने, क्योंकि जिन्हां ने आपां नूं मुल्क लैके दित्ता है उन्हां नूं याद तां करिए, कल्ला 23 मार्च जां 28 सितंबर नूं थोड़ी याद करना, उतां साडे दिल च बसदे आ भगत सिंह होरी दा। मत्था टेक के सकून मिलिया मेरे लिए, खटखट कलां कोई नवां नहीं, मैं बहुत वार इत्थे आउंदा रहिंदा। भगत सिंह होरां ने सुपने लए सी जिहड़ी आजादी दे, ओह आजादी आम घर तक पहुंचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तुसी साथ दिता है, कई जन्म लेने पैणगे तुहाडे इस प्यार का कर्जा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसी दिता है किसी ने सोचा नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। मैं अज किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, मैं तुहानूं भी एक दो गल्लां कहनियां ने, हंकार नहीं करना, यह नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए हो गया वो हो गया, कोई गल नहीं। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं आपां उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हाँ, आपां उन्हां दी भी सरकार है, कोई गल नहीं। डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सुकत दे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए, नहीं। हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अरश ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्हां नूं ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होगा। उन्हां नूं फिक्र इस गल दा सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्हां दा डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। जिन्हां हत्थां च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया, असीं तां बाहर नूं भज्जी जांदे आं, असीं तां वीजे लवा लवा के उन्हां कोल जाई जांदे आं जिन्हां नूं कढ़न लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हजारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी के रस्से चूमे। सो आप इत ही रहना है, आप इत रह के अपना मुल्क ही ठीक करा, अपना मुल्क ठीक करा, नहीं बगाने दर से अपने धक्के खाने उतों। फिर इधर लिया वास्ते तड़फी जाते रहने, कोई कहें लाश ही मंगा दो जी। सो वीरो
थोड़े नाल दे आं थोड़े वर्गे आं ऐं रहांगे और काम करांगे बेरोजगारी तो लैके खेती व्यापार करप्शन स्कूल हस्पताल बहुत ताणी उलझी पई है। रेह की बोरी होंदी है जिहड़ी जे उहनूं उठे पास्यों खोलण लग जाओ तो अद्धा दिन लग जाता है, जे किते उहदा एक सिरा लभ जे इधरले पास्यों वह अद्धे सकिंट च खुल जाती है। आपां इस उलझी हुई ताणी का सिरा लभांगे सही वास सिरा तुहाडे सहयोग नाल। शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर वह कहिंदे इश्क करना सबका पैदायशी हक है, इश्क करना सबका पैदायशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सर जमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नू प्यार करो, बहुत कर्म वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, धरती नू मां का दर्जा गुरु नानक साहब ने पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत तां असीं इह तिन्ने दर्जे कायम रखने ने कायम बनाउणे ने। तुहाडा सहयोग चाहीदा होगा, कल्ले कल्ले बंदे नू साथ देना पऊगा, असीं साथ ही मंगिया सी तुसीं तुहाडे तों तुसीं दित्ता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उस तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल हस्पताल इस तरह के बनावांगे कि बाहरले मुल्क वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन कि आ हैगा। तुसीं इतिहास रचता, 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया और आने वाले सालों सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो बिना किसी लालच तो वोटा पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी। उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 ते 10 मार्च नूं उहदा रिजल्ट आ गया। सो परमात्मा तो भी यही मंगया, शहीदां दे मत्था टेक के भी यही अरदास कीती है, समत बख्शो बल बख्शो, असीं तां तुहाडे पैरां दी धूड़ दा तिणका भी नहीं हैगे, असीं तां तुच्छ जे हाँ, बस जदों पब्लिक नाल हो जाती है फिर जो मर्जी बना लो तुसीं सानूं। सो इस करके मैं अरविंद केजरीवाल जी का खास तौर पर धन्यवाद करूँगा जिन्होंने 20-20 दिन भुख हड़ताल रख के पार्टी बनाई, जिन्होंने अंदोलन दे विच्चों पार्टी लिया के देश दे मूहरे दित्ती, जिहड़ी पार्टी पूरे देश की राजनीति में सुधार रही। एक बार जोरदार ताड़ियां चाहूँगा मैं उनके नैशनल कन्वीनर लई। मनीष सिसोदिया जी बैठे ने, सो बहुत चिर का सुपना सी कि कदे मौका मिले तो शहीद आजम दे पिंड, कोई जिम्मेवारी मिले तो शहीद आजम दे पिंड जाके मत्था टेक के उस जिम्मेवारी नूं निभाउण दा हल्फ लईए। सौं चुकी है, तुसीं बहुत दूरों दूरों आए हो, बड़ी देर तो बैठे हो, तो अज ही काम शुरू हो जूगा, आपां कोई दिन वेस्ट नहीं करना क्योंकि अब बहुत लेट हाँ, हजे 70 साल लेट होए पए आप, अज तो ही काम शुरू होगा। तो जि मैं एक बार फिर कहना कि हौली आराम नाल ड्रामे नाल चलांगे, किसे नूं कोई भद्दी शब्दावली जां सोशल मीडिया ते कोई किसे नाल लड़ना नहीं, ठीक है ना। लगे लोगों नूं कि हाँ यार सियाने लोग आए हुए ने, सियाने ने, वधिया बंदे ने, ये देश के प्रति सोचते हैं। सो मैं आही तुहानूं बेनतियां करनियां सी। अखीर दे विच मैं एक शेर बोलूँगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। सो तुसीं सानूं अपने दिलों च जगह दिती है, देखो अपने दिलों च, देखो शहीद आजम भगत सिंह होरां दी फोटो हर साल आपां कैलेंडर दिवाली वाले दिन जां नवें साल वाले दिन ले आउने आ, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की श्री गुरु नानक देव जी की दसे गुरुआं की फोटो का नवा कैलेंडर ले आने हर साल। क्यों लेके आने, क्योंकि उन्होंने बैंकों खाते नहीं खिलाए, उन्होंने साडे दिलों च खाते खिलाए होंगे ने, तो जिहड़े दिलों च खाते खुल जाते हैं ना उन्होंने फिर परमात्मा जिहड़ा आशीर्वाद दिंदा रहिंदा। दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब।
बोले सो निहाल। हौली जायो, आराम नाल जायो, तुहाडी बहुत लोड़ है पंजाब नू, हफड़ा दफड़ी ना करियो, बजुर्ग भी ने, मावा ने, भैणा ने, बच्चे ने, आराम नाल हौली हौली जायो। बहुत बहुत तुहानू मुबारकां, सारा नू बहुत बहुत वधाइयां, धन्नवाद। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सुपनों नूं साकार करन लई श्री भगवंत मान जी ने पंजाब के लोगों की कचहरी जाके एक नवे पंजाब की सिरजना लई साथ देने की कीती फरियाद नूं पंजाब के लोगों ने पंजाब के लोगों वल्लों दिते इनकलाबी हुंगारे कारण ही अज आम आदमी पार्टी वल्लों एक इतिहासक जित हासिल की गई है। अज देश की खड़क पूजा गुरुआं देवी देवत्यां पीरां फकीरां ते आजादी संग्रामियां दी धरती पंजाब दी वांगडो श्री भगवंत मान नूं सौंपी गई है। पंजाब ने अज एक इनकलाबी सफर की शुरुआत की है क्योंकि शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के मैनीफेस्टो विच कहा सी कि इनकलाब का अर्थ सिर्फ हाकमां की तब्दीली नहीं होगा, सब तो वध के इसका अर्थ होगा एक बिल्कुल नवे ढांचे ते नवे राज प्रबंध की स्थापना करना। शहीद आजम साहब भगत सिंह ने अक्तूबर 1929 नूं भी पंजाब स्टूडेंट यूनियन कॉन्फ्रेंस विच भेजे अपने संदेश किया सी कि इनकलाब अजिही आजादी लियावेगा जिस विच आदमी दे हथों आदमी की लुट खसुट असंभव हो जाएगी। असी परमात्मा कोल अरदास करते हाँ कि वह पंजाब की बेहतरी अते एक नवा पंजाब सिरजन लई इस नौजवान आगू ते लोक सेवा दे मुजस्मे सरदार भगवंत मान नूं हिम्मत ते बल बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इनकलाब जिंदाबाद। तुहाडा सारिआं दा इत्थे पुज्जण ते पंजाब सरकार दी तरफों धन्नवाद करदे हां।